जबलपुर की जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 19 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जहां मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी रेल इसरार मंसूरी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जीआरपी की टीम और आरपीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में इटारसी की तरफ से आरोपी कृष्ण गोपाल शर्मा के कब्जे से टीम को 19 किलोग्राम गांजा मिला, जिसे बरामद किया गया। गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महोदय, रेल जबलपुर से माला प्रसाद और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त AK त्रिपाठी साहब रेल सुरक्षा बल जबलपुर के निर्देशन में और मार्को साहब उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर के मार्गदर्शन में एक विशेष अभियान चला करके कल एक जीआरपी जबलपुर और आरपीएफ जबलपुर की संयुक्त सघन चेकिंग की गई थी, जिसमें सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि आरोपी कृष्ण गोपाल शर्मा, पिता मुनीश कुमार शर्मा, उम्र 30 साल, ग्राम पिपरौला, पोस्ट बछ गांव, थाना रिजावली, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, ये गांजा लेकर के जा रहा है। जिसकी तलाशी किए जाने पर संयुक्त टीम द्वारा जीआरपी और आरपीएफ द्वारा तलाशी किए जाने पर इसके पास से 19 किलो गांजा लगभग 3 लाख रुपये का बरामद किया गया और उसका विधिवत नियमानु